आज मीठे प्यारे बाप दादा की 25 मई की साकार मुरली में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे याद की मेहनत करेंगे तो पावन बन जाएंगे। अभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं और फिर बाप तुमको साथ लेकर के जाएंगे। फिर प्यारे बाबा की मुरली में प्रश्न आया कि कौन सा पैगाम सभी को देना है, तो प्यारे बाप दादा ने इसका उत्तर दिया कि अब घर चलना है और पावन बनना है। पतित पावन बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे, ये पैगाम सभी को देना है। बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने आप बच्चों को अपना परिचय दिया, ऐसे आपको भी सबको देना है, क्योंकि बच्चे ही बाप का शो करते हैं। कहा जाता है सन शोज फादर। और फिर आज की मुरली की जो सार की मुख्य पॉइंट्स रही वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। बाबा ने कहा कि कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है और आपस में रूठ करके पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। दुश्मनी रखना भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। और दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, प्रीत बुद्धि बन ऐवे बिचारी याद में रहना है। और बाबा के कार्य में तन मन धन सब लगा देना है। उसके बाद आज का वरदान बाबा का, बाबा ने कहा स्वयं स्वयं का परिवर्तन कर विश्व का आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। आज का क्लास हम इस वरदान पे ही करेंगे, इसलिए इसका विस्तार अभी नहीं सुना रही हूँ। और उसके बाद बाबा ने स्लोगन में कहा, संगठन में रहते उमंग उत्साह है और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। तो जैसे कि आज प्यारे बाबा ने वरदान में कहा, स्वयं स्वयं का परिवर्तन करना है। इस पे चर्चा करने से पहले मैं वरदान के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगी। प्यारे शिव बाबा जगत के बीज रूप है और वो ऐसे बीज हैं जो कभी ना तो उगाए जाते हैं ना बोए जाते हैं, तो उनकी सारी शक्तियां उनके अंदर निहित, वे एवर प्योर हैं, एवर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। उनके मुख से निकलने वाला एक एक महावाक्य भी बीज रूप है। और जो शक्तियां बाबा में भरी हैं, वो शक्तियां उनके मुख से निकलने वाले एक एक महावाक्य में भी भरी हैं। और मान लीजिए मुरली के 20 नए महावाक्य हैं, तो उन पे हम 20 किताबें लिख सकते हैं अगर उनके गहराई में जाएं तो, इतना उसमें भरा रहता है। अब सवाल ये है कि जैसे हमारे घर में आम की गुठली पड़ी है तो पड़ी है एक कोने में, लेकिन अगर हम उसको उगा दें तो हमारा सारा घर आमों से भर सकता है। अब बाबा का वरदान डायरी में पड़ा है, किताब में पड़ा है तो पड़ा है, लेकिन अगर उस वरदान को हम कार्य में लगाएं, उस वरदान को हम गुण और शक्तियों के आधार पर यूज करें, तो गुण और शक्तियों से हम अपना जीवन भी भर सकते हैं और दूसरों के जीवन को भी भर सकते हैं। प्यारे बाबा की मुरली है 2009 की, तो उसमें बाबा ने कहा कि बाबा के दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं जो वरदान को देख करके खुश हो जाते हैं कि हाँ
बाबा ने वरदान दिया और दूसरे बच्चे हैं जो उस वरदान को फलीभूत करते हैं। तो बाबा ने कहा फलीभूत करने की विधि क्या है? बाबा ने कहा जैसे आप कोई बीज बोते हो तो उस बीज के लिए धरनी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, तो वरदान के लिए भी धरनी चाहिए और वो है आपके बुद्धि रूपी धरनी। फिर बाबा ने कहा उसके लिए पानी चाहिए, तो पानी क्या है? बार बार वरदान को स्मृति में लाना। बाबा ने कहा भक्ति में होता है सिमरण, माला हाथ में लेके वो अपनी इष्ट का सिमरण करते। बाबा ने कहा वो नहीं चाहिए। यहाँ स्मृति का अर्थ है बुद्धि रूपी पटल पर उस वरदान का चित्र बनाओ और उसके अलौकिक रस में डूबे रहो। और धूप कौन सी है? अपने स्वरूप में स्थित होकर के आपको ऐसा करना है, तो स्वरूप में स्थित होना ही जैसे उसको धूप देना है। तो बाबा ने कहा इस प्रकार वरदान फलीभूत होगा और उसका फल खा के आप भी शक्तिशाली बनेंगे और अपने साथियों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। जैसे बाबा में अनंत गुण शक्तियां भरी पड़ी हैं, तो बाबा के वरदान में भी अनंत गुण और शक्तियां भरी पड़ी हैं। तो आज का जो प्यारे बाबा का वरदान है उसमें बाबा ने कहा स्वयं स्वयं का परिवर्तन करो। बाबा ने कहा कई बार बच्चे सोचते हैं कि परिस्थिति बदल जाए और कई बार सोचते हैं कि ये दूसरा व्यक्ति बदल जाए और फिर कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये सेल्वेशन मिले तो मैं बदलूं, ये कोई सहयोग दे तो मैं बदलूं। लेकिन बाबा ने कहा अगर इन सब चीजों के आधार पे आपका परिवर्तन हुआ तो आपके प्रारब्ध में ये सब शेयर होल्डर बन जाएंगे। इसलिए परिवर्तन बिना आधार के होना चाहिए, अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ से होना चाहिए। तो परिवर्तन हमें क्या करना है? प्यारे बाबा की 1970 की एक मुरली है, वो पूरी ही परिवर्तन के ऊपर है और मैंने उस मुरली से बहुत फायदा उठाया, तो इसलिए मैं उस मुरली की चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले प्यारे बाबा के एक और पॉइंट की चर्चा करूंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाबा ने कहा था विदेशियों से बात करते हुए कि जो डबल फॉरेनर्स हैं उनको कंपनी और कंपेनियन बहुत अच्छे लगते हैं और वो हाथ में हाथ लेकर के चलना पसंद करते हैं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को तो हाथ नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा को स्थूल हाथ नहीं है, लेकिन शिव बाबा की श्रीमत ही शिव बाबा का हाथ है। तो अगर आप उस श्रीमत को साथ लेके चलते हो तो समझो हाथ में हाथ है। तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले से लेके रात तक हर कर्म के लिए बाबा ने श्रीमत बता रखी है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे है। तो अगर हर एक्टिविटी करते आपने वो श्रीमत धारण की है तो समझो बाबा का हाथ हाथ में है और आप बाबा के साथ चल रहे हैं। तो प्यारे बाबा की जो परिवर्तन वाली मुरली है उसमें भी बाबा ने अमृत वेले से लेकर के रात तक के दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन करना है हम बच्चों को तो बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। बाबा ने कहा कि आपके दिन की शुरुआत अमृत वेले से होती है, तो जब आप अमृत वेले उठते हैं तो याद कीजिए कि मैं अवतरित आत्मा हूँ। बाबा ने इसका बहुत सुंदर विस्तार किया कि जब सतयुगी सृष्टि शुरू होती है
तो आप आत्माएं ब्रह्मलोक से उतर करके सतयुग में आती हैं। तो अब भी ऐसे महसूस कीजिए कि मैं ब्रह्मलोक से उतर करके अवतरित आत्मा आई हूं, और ये इतना अच्छा स्वमान है क्योंकि बाबा ने कहा कि जो धर्म स्थापक है वो जन्म नहीं लेती, वो अवतरित होती है। जन्म लेने वाली आत्मा धर्म स्थापन नहीं कर सकती, लेकिन जो अवतरित आत्मा है उसमें शक्ति होती है, और इसीलिए बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट ये सब धर्म स्थापन कर सके। तो बाबा ने कहा आप भी तो बाप के साथ धर्म स्थापक हो ना, आप भी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे, तो इस संकल्प के साथ आप उठे, और उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग की, और उसके बाद फिर बाबा के पास चले गए। उसके बाद बाबा ने कहा कि कई बार कई बच्चे एक कंप्लेन करते हैं कि अमृत वेले उठते हैं, बैठते हैं, यादें करते हैं, लेकिन अतिंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है। इसके लिए भी बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई और मैंने उसका एक्सपेरिमेंट किया, मुझे बहुत मजा आया। बाबा ने कहा कि जब आप याद में बैठते हो तो आपके पास ज्ञान की शक्ति है, बाबा कौन है, मैं कौन हूँ, लेकिन केवल ज्ञान की शक्ति से काम नहीं चलता, प्यार की शक्ति भी चाहिए। प्यार जल का काम करता है, तो जब तक आप अपने संबंध को बाबा के साथ सिंचोगे नहीं तो इंद्रिय सुख कैसे मिलेगा। तो बाबा ने कहा बाबा के साथ प्यार का रिश्ता जोड़ करके बैठो, और प्यार का मतलब क्या है वो भी बाबा ने बताया कि किसी भी एक भी आत्मा के लिए अगर दिल में अशुभ भावना है तो बाबा से पूरा प्यार नहीं जुटता है, क्योंकि बाबा से प्यार मतलब बाबा के सब बच्चों से प्यार, सब आत्माओं से प्यार, सबके लिए शुभ भावना। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, और प्यारे बाबा के साथ दिल का, जिगर का प्रेम, जब इसमें डूब करके हम अमृत वेले बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बाबा ने अपनी किरणों रूपी बाहों में हमें समा लिया, और जैसे बाबा ने अपना सारा प्यार दुलार हम पे उलेंड दिया। एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने कहा था कि अमुक आत्मा ने मुझे याद किया तो मैंने भी उसको किरणें दी। तो ऐसे लगता है कि बाबा की सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की सब किरणों का प्रवाह हमारी तरफ है, और इसमें कई बार तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। मन कहता है बाबा अमृत वेला चलता ही रहे और हम आपके प्यार में डूबे ही रहें, और फिर याद आता है कि बाबा की प्यार की दुनिया, सतयुग की दुनिया कितनी नजदीक है जिसमें अभी हम जाने वाले। तो एक तरफ बाबा, दूसरी तरफ बाबा का वर्षा, और आत्मा को बहुत आनंद आता है। तो बाबा ने कहा ये आपने सुबह उठते ही पहला परिवर्तन किया। लौकिक जीवन में आपकी दिनचर्या क्या थी, सुबह उठते ही देह को याद करते थे, और अब आप देखो देह के आवरण से पार, इस दुनिया से पार, प्यार की दुनिया में, प्यार के सागर में खो जाते हो, और आने वाली प्यार की दुनिया जहाँ प्रकृति भी प्यार देगी, पशु प्राणी भी प्यार देंगे, मानव भी प्यार से रहेंगे, वो भी इमर्ज हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि अमृत वेले बच्चों को बाबा का प्यार पाना है, लेकिन साथ में सकाश भी देनी है, और सकाश देने के लिए भी बाबा ने एक सुंदर विधि बताई। जैसे अपन बगीचे में सिंचाई करते हैं तो एक फाउंटेन होता है,
और फाउंटेन में कई सारे होल होते हैं, तो पानी का प्रेशर उन होल के माध्यम से बगीचे के हर पौधे को सींचता है। तो प्यारे बाबा ने कहा कि अगर फाउंटेन के होल में से आधे होल पैक हो जाए, बंद हो जाए, तो पानी का प्रेशर पूरा नहीं पहुंचता पौधों तक। तो अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का अंश मात्र भी होगा, तो आपका जो प्रकाश देने वाला फाउंटेन है ना, उसके भी कुछ होल पैक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और प्रकाश पूरी आप नहीं दे पाएंगे। तो आपको सारे ग्लोब को, ग्लोब की हर एक आत्मा को इमर्ज करना है। हर आत्मा से मेरा जिगरी प्रेम है, हर आत्मा के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जगत की हर एक आत्मा मेरी अपनी है, बाबा की संतान है, तब आपको प्रकाश का मजा आएगा। बाबा से लाइट मुझ में आ रही है और बाबा की और मेरी कंबाइंड लाइट सब आत्माओं पे जा रही है, और वो आत्माएं अंदर ही अंदर उसको ग्रहण करके आनंदित हो रही है। उन आत्माओं में भी जैसे सुख शांति की लाइट आ रही है, ऐसी बहुत प्यारी प्यारी महसूसता आएगी। फिर बाबा ने कहा कि अमृत वेले के बाद आपकी दिनचर्या शुरू होती है, तो लौकिक दिनचर्या थी वो तो और प्रकार की थी, अब आपकी अलौकिक दिनचर्या है, बाप के साथ दिनचर्या है। तो बाबा ने कहा जब आप शरीर रूपी मंदिर की धुलाई करते हो तो क्या चिंतन करो। बहुत सुंदर बाबा ने दृश्य खींचा, महसूस करो कि ये शरीर मंदिर है और मैं इस मंदिर में विराजमान मूर्ति हूँ, बाप दादा की प्यारी मूर्ति जिसे बाप दादा बहुत प्रेम करते हैं, मूर्ति भी हूँ और ट्रस्टी भी हूँ। तो सुबह सुबह अपने मंदिर की धुलाई कर रही हूँ। दुनिया में पंडित पुजारी लोग सुबह सुबह मंदिर की धुलाई सफाई करके तैयार कर देते हैं, क्योंकि बाद में भक्त लोग आएंगे और पूजा करेंगे। तो ट्रस्टी बन के मंदिर को चमका दिया, क्योंकि इसमें बाप दादा की प्यारी मूर्त बैठी है। तो बाबा ने कहा हर कर्म को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना, ताकि आपका एक एक संकल्प सफल होता जाए। जैसे मान लीजिए मंदिर को तो चमका दिया, लेकिन अगर हमें कुछ हैंकी, कुछ कपड़े धोने हैं, तो उसमें भी सर्फ और पानी दो चीजें यूज होती हैं। तो जो सर्फ है वो प्यारे बाबा की याद की तरह से शक्तिशाली है, और जो पानी है वो ज्ञान की तरह से, तो हाथ चलते रहेंगे और मन में चिंतन चलता रहेगा कि प्यारे बाबा का योग और प्यारे बाबा का ज्ञान जैसे मुझे आत्मा को धोता है। बाबा कहता है मैं सुप्रीम धोबी हूँ, धोने आया हूँ, मैं आत्मा अनेक जन्मों की मैली थी। बाबा की योग की लाइट और ज्ञान की लाइट पड़ी तो मेरी भी मैल निकल गई, जैसे ही शंकर चीफ की मैल निकल रही है। तो हाथ से काम करते भी मन याद में खोया रहे। फिर मान लीजिए अपन ब्रश करते हैं, पहले करते हैं या बाद में करते हैं, तो बाबा ने कहा ये जो दिनचर्या के छोटे छोटे काम, इनमें आत्मा को उलझाना नहीं, ये तो इतने सरल काम है कि आप बाबा के पास बैठे रहो, हाथ भी नौकर है, दांत भी नौकर है, नौकर नौकर का काम कर रहा, और मैं कहाँ हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं, मैं बाबा के पास बैठी हूँ, बाबा से रू ज्ञान कर रही। तो शरीर के काम हो रहे हैं और मेरी कमाई भी जमा हो रही है। बाबा ने कहा था कर्म योग में कर्म में उलझने के बजाय हर घड़ी कमाई करनी है। इसके लिए बाबा ने ये भी कहा था कि भले ही आप सुबह सुबह कोई एक प्यारा सा स्वमान लें,
कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं इसके अनुभव में रहूंगा, मन को बिजी कर। नहीं तो क्या होता है कि हाथ काम में लग जाते हैं और मन भाग जाता है, पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, लेकिन उसको बिजी रखना है और आनंददायी स्वमान में बिजी रखना है। अगर वो बोर हो गया तो भाग जाएगा, तो उसको आनंद आए, उसको मजा आए। उसके बाद जैसे ड्रेसअप होती है तो फिर इस मन को एक सुंदर सा दृश्य दिखाओ कि प्यारा बाबा हमारे लिए भी एक नई ड्रेस तैयार कर रहा है। संगमयुग की सुंदर सी ड्रेस तो फरिश्ता ड्रेस है, और उसके बाद सतयुग की ड्रेस देवताई ड्रेस है। भक्ति मार्ग में एक भजन गाते ही हैं, तन की चुनरिया हुई पुरानी, दिन दिन बदरंग होए, सांवरिया मुझे नई दिला दे। अर्थात आत्मा कहती है कि ये शरीर रूपी कपड़ा पुराना हो गया, तो भगवान मुझे नया कपड़ा दे दे। तो ड्रेसअप होते होते हमको भी वो दृश्य दिखता है कि प्यारे बाबा ने मेरी सतयुगी ड्रेस तैयार कर ली है और मुझे बस जाके उसको पहनना है। तो लौकिक कर्म भी हो रहा है और साथ में हमारी कमाई भी जमा हो रही, कर्म योग भी हो रहा है। बाबा ने कहा है कि इतना समय नहीं है कि आप सारा दिन बैठ करके योग करें, समय बहुत कम है। आपको एक एक संकल्प पे ध्यान देना है, एक संकल्प गया माना आपकी साल भर की कमाई गई। तो इतना ध्यान कर्म करते, अंतर्मुखी होके कर्म करेंगे तो हो सकता है, हाथ हिलता है तो भी अंदर संकल्प आना चाहिए कि ये मेरा नौकर हिल रहा है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर और उदाहरण दिया। बाबा ने कहा कि मैं करावन हार और आप बच्चे निमित्त हो, तो निमित्त बन के बाबा की सेवा करती। बाबा ने कहा आत्मा भी करावन हार है और इंद्रियां करण हार है। तो ये भी इतना अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि ड्रेसअप होने के बाद भी कई छोटे मोटे काम होते हैं। मान लीजिए कोई टेबल पे कपड़ा मारता है, कोई बिस्तर ठीक करता है, कोई सफाई का काम करता है। आजकल तो लॉकडाउन है, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो उस समय सीट पे बैठ करके हम साक्षी होके देखते हैं कि मैंने आदेश दिया और ये इतनी सारी इंद्रियां जो करण हार है करने में लग गई है। तो करते हुए भी एक न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव होता है। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा लंबे समय का हमारा अभ्यास होगा तो हम अंत में बहुत इजीली उड़ेंगे शरीर से। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हैं कि अंत समय में आत्मा उड़ गई, उनको कोई बच्चों की अटैचमेंट या कोई और आकर्षण खींच नहीं पाया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का लंबे समय का कर्म योग में आत्म स्थिति का अभ्यास था। तो कर्म करते हुए ये अभ्यास कि मैं करावन हार हूं और ये मेरे नौकर चाकर कर रहे हैं, ये हमें हमारे अंत को बहुत सुहाना बना देगा। मुझे मम्मा की भी एक बात याद आती है, प्यारी मम्मा के अनुभव। मम्मा को हमने साकार आंखों से नहीं देखा, लेकिन प्यारी मम्मा के अनुभव हमने बहुत सुने हैं दादियों से, बड़े भाइयों से। एक अनुभव है हमारी मीठी मम्मा का कि एक बार वो अनाज साफ कर रहे थे, क्योंकि उस समय यज्ञ में नौकर नहीं होती थी, तो किसी बच्चे ने देख लिया और वो बच्चा दौड़ा आया और कहा मम्मा आप साफ नहीं करो, हम करेंगे। फिर और बच्चे भी आ गए तो मम्मा ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, आराम से बैठी हूँ। तो बच्चों ने कहा नहीं मम्मा
आप कितनी देर से अकेले अनाज साफ कर रही हो, कितना आपने कर दिया। तब मम्मा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मम्मा ने कहा बच्चे ये काम तो मेरे नौकरों ने किया है, मैं तो ऊपर बाबा के पास बैठी थी। तो कर्म योग का इतना सुंदर उदाहरण मम्मा ने दिया, गदगद हो गए हम। तो हम भी ये अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर बाबा ने मुरली में ये भी बताया कि कर्म करते समय कर्म बंधन नहीं लेकिन कर्म संबंध की स्टेज रहे। कर्म बंधन 63 जन्म थे हमारे, अब हम आए हैं कर्म संबंध में। तो जब हम कर्म करते हैं तो व्यक्तियों से भी मिलना जुलना होता है, वस्तु पदार्थ का लेन देन करना होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेती हूँ, बहुत सिंपल सा उदाहरण लेती हूँ, कर्म संबंध क्या है और कर्म बंधन क्या है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति एक दुकान चलाता है और मुरली सुन के वो अपनी शॉप खोलता है, जूते की शॉप है। किसी कारण से उस दिन उसका नौकर नहीं आया, अकेला ही बैठा है। इतनी देर में एक ग्राहक आता है, कहता है भैया जूते दिखाना। वो एक जोड़ी जूता दिखाता और ग्राहक उसी जोड़ी को ले जाता है और उसको अच्छा प्रॉफिट होता है, वो बहुत खुश हो जाता है। आज तो शॉप खुलते ही कितना अच्छा ग्राहक आया, खुश मूड में बैठा है। थोड़ी देर में दूसरा ग्राहक आता है, कहता है जूते दिखाना, और वो जूते दिखाता है, एक जोड़ा, दो जोड़ा, 10 जोड़ा, 15 जोड़ा, 20 जोड़ा, 50 जोड़े जूते दिखाता है। और ग्राहक देख करके कहता है भाई तुम्हारे पास तो कोई वैरायटी ही नहीं है, मैं तो बड़े वाले शोरूम में जाऊंगा, और वो चला जाता है। अभी व्यक्ति इन जूतों को देखता है, बिखरी हुई दुकान को देखता है, तो क्या सोचता है? दो प्रकार की सोच हो सकती। एक तो वो ये सोच सकता है कि देखो कैसा व्यक्ति आया, मेरा 1.5 घंटा खराब कर गया और एक भी जोड़ा नहीं लेके गया, ए भगवान ये दोबारा मेरी दुकान पे ना आए। और दूसरा एटीट्यूड उसका ये हो सकता है कि अच्छा हुआ ये आया, आज मैं सुबह वॉकिंग नहीं की थी, मेरी भी थोड़ी एक्सरसाइज हो गई, या मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पास इतनी वैरायटी, आज खोल के देखा तो पता पड़ा इतनी वैरायटी है। और शॉप के ऊपर वाले रैक में तो कभी पोछा नहीं लगता, तो अच्छा है आज उनकी भी धूल झड़ गई, अच्छा हुआ ये व्यक्ति आया। तो कर्म योग में कोई भी घटना घटती है, क्योंकि मान अपमान तो आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव लोग तो मिलेंगे, कोई दे जाएगा और कोई ले जाएगा, कोई हमारे अनुकूल बोलेगा, कोई प्रतिकूल भी बोल जाएगा, तो उस समय मेरी स्थिति कैसी है? अगर मैं आत्मा स्वमान की सीट से नीचे उतर गई तो मेरा कर्म बंधन बन गया, और अगर मैं स्वमान की सीट पे बैठी रही और लेट गो कर दिया तो मैं समझो कर्म संबंध में आई। फिर मुझे ये भी याद रहेगा कि दुकान मेरी नहीं है, मैं तो ट्रस्टी, मालिक तो से बाबा है, प्रॉफिट हुआ तो बाबा का हुआ, लॉस हुआ तो बाबा का हुआ, मैंने तो निमित्त बन करके सेवा की, पहला ग्राहक दे गया और दूसरा ग्राहक थोड़ा समय ले गया, कोई बात नहीं, ग्राहक भी वैरायटी होती। तो अगर उसी समय में पुनः स्वमान की सीट पे आ गई, पास्ट इज पास्ट कर दिया, बिंदु लगा दिया, तो शाम को अगर मैं सेंटर पे योग में आके बैठूंगी तो मेरा योग लग जाएगा। और अगर मेरा चिंतन चला वो व्यक्ति कैसा था, उसने ऐसे क्यों किया, तो शाम का योग भी गया, क्योंकि योग में बैठते ही फिर वही दृश्य दिखेगा, दुकान दिखेगी, फिर वो व्यक्ति दिखेगा, फिर वो बिखरे हुए जूते दिखेंगे, तो मेरा दिन भी गया और मेरा शाम का योग भी गया।
तो प्यारे बाबा ने कहा कर्म के संबंध में आना है, 63 जन्म कर्म आपको बांधते रहे, आत्मा बंध गई, कमजोर हो गई, अब नहीं बंधन, क्योंकि अब तो बाबा आपके साथ है और बाबा ने आपको सारा ज्ञान दे रखा है। तो कर्म करना भी जरूर है पर उससे डिटैच होना भी जरूर है और फुल स्टॉप लगाना भी जरूर है। बीत गई बात को फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप भी जल्दी तभी लगेगा जब हमें स्वमान की सीट पे बैठने का अभ्यास हो। उससे नीचे उतर जाते हैं तो फिर फुल स्टॉप लगता नहीं है, करते तो रहते हैं कि लगना चाहिए लेकिन वो उखड़ जाता है और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये भी बाबा ने कहा कि कर्म संबंध में आओ, और उसी में बाबा ने 2-3 बातें और कही थी। एक कहा धर्म और कर्म का संतुलन, कर्म योग और धर्म कर्म का संतुलन बात एक ही है, लेकिन चूंकि प्यारे बाबा बच्चों को वैरायटी तरीके से बात बताते हैं, मनोरंजक तरीके से बात बताते हैं, तो बाबा ने धर्म कर्म के संतुलन की बात कही। तो बाबा ने कहा कि जब आप कर्म करते हो तो उसमें धर्म को भी ऐड करना है। अब धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है धारणा, और प्यारे बाबा ने बताया धारणा दिव्य गुणों की, अर्थात हम जो भी कर्म करते हैं उसमें दिव्य गुण होने चाहिए। उस कर्म में नम्रता हो, उस कर्म में संतुष्टता हो, उस कर्म में सुख देने की भावना हो, उस कर्म में मिलजुल के चलने की भावना हो, उस कर्म में स्वीटनेस हो, अक्षमा की भावना हो, दिल बड़ा हो। तो ये जो बाबा ने हमें श्रेष्ठ धारणाएं बताई हैं ये कर्म में, तब उस कर्म के हमें पूरे नंबर मिलते हैं। मान लीजिए हमने कर्म तो किया लेकिन उसमें धर्म का समावेश नहीं है तो फिर 50 नंबर मिले, धर्म वाले 50 नंबर कट गए। धर्म का समावेश क्या होता है इसके लिए मुझे रामायण का एक उदाहरण याद आ रहा है। भक्ति मार्ग की रामायण भारत का एक शास्त्र है, आप सबने भी आजकल टीवी पे देखा होगा, लॉकडाउन के दिनों में उसको रिपीट किया गया। तो भक्ति मार्ग की रामायण में आता है कि जब श्री राम को वनवास मिल गया तो लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए और श्री राम जी को कहते हैं भैया राम, भैया राम, आपको पता है कैकेयी ने आपको वनवास दे दिया। तो श्री राम जी मुस्कुराए और कहने लगे कि लक्ष्मण पहले ये बता, तुमने माता कैकेयी को कैकेयी कहना कब से शुरू कर दिया? अर्थात परिस्थिति प्रतिकूल है लेकिन फिर भी श्री राम अपने धर्म में अडिग, माता माता ही है, माता को रिस्पेक्ट देना है। लेकिन लक्ष्मण उस प्रतिकूल परिस्थिति में माता को रिस्पेक्ट देना भूल गए जिसे श्री राम ने याद दिलाया। और यहीं पर रामायण का एक प्रसिद्ध श्लोक है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परखिए चारी। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थिति है, आपत्ति की परिस्थिति है, तब व्यक्ति के धर्म की परीक्षा होती है। जब सब कुछ अनुकूल है, हम मीठा भी बोल रही हैं, प्यार भी दे रही हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब प्रतिकूल बात आई, व्यक्ति प्रतिकूल हो गया, फिर भी हमने प्यार बनाए रखा, अक्षमा भाव बनाए रखा, तो उसको कहते हैं कर्म के साथ धर्म का संतुलन। तो बाबा ने कहा दिनचर्या में कर्म के साथ धर्म को जोड़ के रखिए। और बाबा ने इसके लिए एक सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे द्वापर युग में ऋषि मुनियों ने क्या किया,
प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो अलग अलग बना दिए। सतयुग में तो दोनों इकट्ठे थे, निवृत्ति मार्ग था ही नहीं। और राजा धर्म का भी बड़ा था और राज्य का भी बड़ा था, लेकिन द्वापर युग में राजा अलग हो गया, धर्मात्मा अलग हो गई, दो पुर हो गई, तो गिरती कला शुरू हो गई। तो सतयुग की तरह से एक पुर में रहिए, दो पुर मत बनाइए, कर्म और धर्म को कंबाइंड कीजिए। तो सतयुग में जैसे 16 कला होती हैं, आपके कर्म में भी 16 कलाएं आ जाएंगी। और फिर बाबा ने दिनचर्या के कर्मों में ही एक और बहुत ही सरल बात हम सब कर सकते हैं और करने में मजा भी आएगा। बाबा ने कहा कि जैसे आप पानी पीने के लिए बार बार उठते हो, दिन में कई बार पानी पीते हैं, प्यास लगती है, शरीर के लिए पानी जरूरी है। बाबा ने कहा समय इतना नाजुक है, परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हैं, लोग चित्कार कर रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोगों के मन में प्रश्न है क्या होगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा, इसके बाद क्या होगा, कोरोना कब खत्म होगा। तो पानी पीने उठते हो तो समय याद करो कि मुझे अशरीरी भी बनना है। ये बार बार की अशरीरी बनने की जो आपकी प्रैक्टिस है ना, ये आपको बहुत काम आएगी। इन नाजुक परिस्थितियों में आपके लिए और जिनकी आप सेवा करते हैं उनके लिए बहुत काम आएगी। तो पानी पीना हर एक के लिए अनिवार्य है और पानी पीने की प्रक्रिया बहुत सरल है। तो ऐसी पानी पिया तभी अशरीरी हो गए, पानी पिया तभी याद आ गया अशरीरी होना है। तो पानी के साथ हमने अशरीरीपन को जोड़ा, दिनचर्या के साथ इस एक्सरसाइज को जोड़ा, तो ये भी हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगी। और बाबा ने दिनचर्या की ही कुछ और बातें बताई, परमार्थ और व्यवहार दोनों में संतुलन रखना है, केवल व्यवहारी नहीं बनना परमार्थी भी बनना है, केवल शरीर निर्वाह नहीं करना आत्म निर्वाह भी करना है, केवल धन नहीं कमाना लेकिन आत्मा के लिए पुण्यों का खाता भी है कि सबको म्यूटेड कर दिया है। ओम शांति। तो परमार्थ और व्यवहार दोनों का संतुलन चाहिए। इसमें बाबा ने कहा परमार्थ का मतलब है परम अर्थ, परम माने परमात्मा, परमात्मा के लिए, परमात्मा की श्रीमत प्रमाणम जो करते हैं वो परमार्थ है। व्यवहार लौकिक दुनिया में जीवन जीने के लिए हमें जो करना पड़ता है वो व्यवहार है। तो इन दोनों में संतुलन चाहिए, आत्मा की कमाई होती रहे, शरीर निर्वाह होता रहे, उसमें भी संतुलन चाहिए। और फिर बाबा ने एक और परिवर्तन की बात बताई कि दिन भर में लौकिक जीवन के हमारे जो कर्म थे उसमें और अब अलौकिक जीवन के जो कर्म है उसमें बहुत अंतर है। बाबा ने बताया कि जो भी लौकिक दृश्य देखते हो उसको अलौकिक में बदलो, ये भी एक खेल की तरह ही। मैंने बाबा की एक मुरली पढ़ी जिसमें अव्यक्त पार्ट को 40 साल पूरे हुए थे, तो बाबा बच्चों से बात कर रहे थे, मुबारक दे रहे थे गुलजार दादी को, और फिर बाबा ने 40 का इतना सुंदर अर्थ निकाला, मैं हैरान रह गई। बाबा ने कहा इसमें जो जीरो है ना, उस जीरो का मतलब है जो जीरो बनेगा वो हीरो बनेगा, तो आप सब बच्चे हीरो पार्टधारी। और जो चार है उसका अर्थ क्या है, तो बाबा ने चार बातें सुना दी, सदा शुभ चिंतक बन के रहना है,
शुभ चिंतन करना है, शुभ वृत्ति में रहना है और शुभ वायुमंडल बनाना। मुझे इतना अच्छा लगा, हम तो केवल 40 को ही देख रहे थे, लेकिन बाबा ने 40 का कितना गहरा अर्थ बता दिया। और फिर बाबा ने कहा ऐसी लौकिक बातों में अलौकिक अर्थ को जोड़ो। तो दिन भर में दो चीजें हमारे सामने आती हैं, एक व्यक्ति और एक वैभव। तो बाबा ने कहा व्यक्ति के प्रति व्यक्त भाव नहीं, अव्यक्त भाव, आत्म भाव। कोई भी व्यक्ति हो, परिवार के सदस्य हैं तो ये भी आत्मा ही है, किसी भी रिश्ते में है तो भी आत्मा ही है। चमकते हुए भाल को देखो, संत महात्मा भाल को ही देखते हैं और जो एसेंस है वो भाल में ही मौजूद है। तो भ्रकुटी के भव्य भाल को देखने का अभ्यास पड़ जाए। दूसरा वैभव, दिन भर में कितनी चीजें हैं जिनकी तरफ आंख जाती है, वस्तुएं हैं, वैभव हैं, पदार्थ। तो इनके लिए बाबा ने कहा अनासक्त भाव। अगर किसी में भी आसक्ति आ गई तो वो चुंबक की तरह से आपको पकड़ लेगी, आपको बांध लेगी, लेकिन अनासक्त भाव। और अनासक्त भाव के लिए ये मन में हम ला सकते हैं कि सतयुग की चीजों के आगे इस जाने वाली दुनिया की चीजें क्या है। सतयुग की जो तो प्रधान वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, साधन है, उनके आगे इस दुनिया की चीजों को क्या देखना, सिर्फ काम निकालना है। तो ये एक सुंदर अनुभव हमारा बना रहेगा, चीजों को देखते भी रहेंगे और देखते हुए ना देखते की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो कितनी ही चीजें हैं, बाबा ने कहा कि अगर आप साधनों को देखते हुए साधना को भूल जाओगे तो जीवन ऐसी बन जाएगी जैसे रेत के ढेर पे बिल्डिंग खड़ी हो। इसलिए कभी भी साधनों के वशीभूत नहीं होना, अपनी साधना को नहीं भूलना। और साधना का अर्थ बाबा ने बताया एक बाप के साथ अचल अटल दिल का जिगर का प्रेम, इसका नाम है साधना। हर पल एक बाबा, बाबा के सिवाय और कोई नहीं, एक बाबा जैसे मीरा बाबा के अपने इष्ट के प्यार में कोई रहती थी। बाबा ने एक उदाहरण दिया था कि वो तो भक्ति मार्ग का इष्ट था, सामने भी नहीं था तो भी वो उसमें खोई रहती थी और ऐसे महसूस करती थी जैसे साकार में, जैसे साथ साथ। आपके तो बाबा साथ साथ है, साकार में है, हर पल रिस्पोंड करता है। और बाबा ने वायदा कर रखा है कि जब भी दिल से कहोगे मेरा बाबा आ जाओ, मेरा साथी आ जाओ, तो बाबा बंधाए मान है हाजिर हो जाए। और हम सब इसके अनुभवी भी हैं कि जब जब हमने प्यार से, दिल से, स्वच्छ दिल से पुकारा, बाबा ने कहा दिल में स्वच्छता होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्वच्छता नहीं होगी तो इतना परम पवित्र बाप कैसे आएगा, हाजिर हो जाएगा। सच्चे दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, ये तीन बातें होंगी तो साथ ही साथ जरूर निभाएगा। बंधाईमान है संगम युग में बाप और दादा हजार भुजाओं से बच्चों की मदद करने के लिए तैयार हैं, किसी बच्चे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब तक स्थापना का कार्य चालू है तब तक बाप दादा बच्चों के साथ साथ हैं ही। कई बच्चे क्या करते हैं, जुदाई का पर्दा डाल करके फिर बाप को ढूंढते। तो बच्चों ये जुदाई का पर्दा मत डालो,
बाप साथ था साथ है, और जब तक आपकी राजधानी में आप सुख पूर्वक निवास नहीं करेंगे तब तक बाबा साथ रहेगा, ऐसा प्यारे बाबा का वायदा है। तो ये दिन भर की हमारी दिनचर्या रही, और फिर नुमा श्याम का योग रहा। नुमा श्याम के योग में भी हम अपनी चेकिंग करते हैं, अगर बैठते ही आत्मा उड़ गई तो समझिए हमारी दिनचर्या एक्यूरेट थी। बाबा की श्रीमत का हाथ हाथ में था और बाबा के कदम पे कदम था, और दिन भर हम अतीन्द्रिय सुख में थे, कोई देहधारी कोई वस्तु कोई भी मेरे और बाबा के बीच में आई नहीं थी। नुमा श्याम हुई और फरिश्ते बन के चक्र लगाने निकल गए, उड़ गए। आज तो मैंने एक मुरली पढ़ी जो एक दृश्य बाबा ने खींचा कि इसका अनुभव करो, और मैंने वो अनुभव किया भी। बाबा ने अपने सामने बच्चों को फरिश्ते रूप में बिठाया और सात रंग के सात हीरों का चूर्ण बना करके वो रंग फरिश्ता ड्रेस पे डाल दिया, और फिर बाबा ने कहा कि 5-7 मिनट अनुभव करो कि मैं व्हाइट ड्रेस वाला फरिश्ता हूँ और मेरे ऊपर 7 कलर का चूर्ण डायमंड पीस करके बाबा ने डाल दिया है, तो ये ड्रेस कैसी लग रही है अनुभव करो। तो ये मैंने अनुभव किया, बहुत मजा आया। सामने बाबा हैं और फरिश्ते की ड्रेस पे वो चूर्ण पड़ा है, कलर भी है, और बाबा के प्यार का रंग तो है ही। तो भिन्न भिन्न अनुभूतियां हम नुमा श्याम के योग में करेंगे अगर हमारी दिनचर्या बाबा की श्रीमत के साथ व्यतीत हुई है तो। और फिर बाबा ने कहा रात को शयन करना है, तो कहते हैं जो नींद होती है वो आधी मृत्यु के बराबर होती है, और नींद में और मृत्यु में क्या अंतर है, किसी ने एक बार ये भी सवाल पूछा था। तो जैसे एक ड्राइवर होता है गाड़ी चलाते चलाते थक जाता है, तो बैठा तो गाड़ी में ही है लेकिन उसने गियर ब्रेक स्टेयरिंग ये सब छोड़ दिया और गाड़ी में ही बैठा है, इसका नाम है नींद। हम भी दिन भर कर्मेंद्रियों को मूव करते हैं, मैं आत्मा सारा दिन इन इंस्ट्रूमेंट को मूव करती हूँ, और मूव करते करते थक जाती हूँ तो इन इंद्रियों को ढीला छोड़ देती हूँ, बस इनसे डिटैच हो जाती हूँ, इसी का नाम है नींद। और मृत्यु, बस गाड़ी से उतर गया ड्राइवर, थोड़ा ही फर्क है दोनों। तो हम भी आधी मृत्यु में तो रोज ही जाते, लेकिन सुख की नींद के लिए बाबा ने 2009 की ही एक मुरली में बोला था कि रोज रात को अपना चोपड़ा साफ कर लो, सारा हिसाब किताब बाबा को सौंप दो, तो आपको धर्मराज के सामने जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोज का किया हुआ रोज साफ हो गया, और अगर वो इकट्ठा हो गया तो फिर जाना पड़ेगा। तो रोज रात को अगर हम चित्त को एकदम क्लीन करके और प्यारे बाबा की किरणों रूपी गोदी में सो जाएं, वो भी भिन्न भिन्न तरीके हैं, सूक्ष्म बर्तन में सो सकते हैं, परम धाम में सो सकते हैं, साकार स्थूल लोक में भी बाबा को माता पिता के रूप में इमर्ज करके उनके साथ शयन कर सकते हैं। तो ये हमारी दिन भर की परिवर्तित अलौकिक दिनचर्या हो गई जो प्यारे बाबा ने हमको दी, और इस दिनचर्या को फॉलो करते करते हम सचमुच फरिश्ते बन जाएंगे जो बाबा हमसे आश रखता है, ब्राह्मण सु फरिश्ता और फरिश्ता सु देवता। तो मैं अपनी बात को एक बार यहाँ रोक रही हूँ, आप में से किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप कहें कि 10 मिनट बाकी हैं मैं अभी कुछ और भी सुना दूं
तो वो भी बता दीजिए। हेलो, कुछ और सुना दो। ओके। सोने के लिए एक बहुत अच्छी बात, एक छोटा सा उदाहरण। जैसे जब अपन रात को भारत में ये एक सिस्टम था कि रात को सारे बर्तन मांझ करके सोना है, नहीं तो सुबह में घर में लक्ष्मी नहीं आती है। तो किचन बर्तन सब मांझ करके माताएं बहनें सोती थी, और सुबह जब उठती थी तो किचन चमकती हुई मिलती थी, बर्तन को हाथ लगाती थी तो वो चमकता हुआ मिलता था। तो इस बात को देखते हुए हमारी जो बुद्धि है वो भी एक बर्तन ही तो है। तो जब हम स्थूल बर्तन रात को मांझ के सोते हैं तो बुद्धि रूपी बर्तन को भी रात को मांझ के सोना चाहिए, क्योंकि दिन भर में इस बर्तन में कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। कोई खट्टी, कोई मीठी, कोई नमकीन, कई तरह की बातें इसको लग जाती। अब रात को हमने इसको अच्छे से मांझा और चमका के हम सो गए। सुबह तो रात को हम बुद्धि रूपी बर्तन को अच्छे से चमका के सो गए। सुबह उठे तो बाबा के पास गए, चमकते हुए बर्तन में बाबा ने वरदान डाल दी। और मान लीजिए बर्तन नहीं चमक रहा है, तो अगर बर्तन साफ सुथरा नहीं है तो वरदान कैसे डालेंगे बाबा? बाबा कहेंगे जा बेटा इसको थोड़ा मांझ के ले आ, और जब तक हम बर्तन को मांजेंगे तब तक तो अमृत वेला पूरा हो जाएगा और हम वरदानों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए रोज रात को इसको चमका के सोना है। और इस पे महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है, वो सुना देती हूँ। एक बहुत ही थोड़ा घमंडी सेठ था, उसने एक बार महात्मा बुद्ध को कहा कि मेरे यहाँ आप भिक्षा लेने आना। तो चलो महात्मा बुद्ध वहां चले गए, और जब उस सेठ जी ने महात्मा बुद्ध का वो पात्र पकड़ा तो देखा कि उसमें कुछ मिट्टी और कंकर पड़ी हैं। तो उसको लिया, मांजा और उसमें खीर डाल दी, और खीर डाल के महात्मा बुद्ध को पकड़ाया और उसके चरणों में बैठ गया कि मुझे आशीर्वाद दे के जाओ। लेकिन बुद्ध ने आशीर्वाद दिया ही नहीं। सेठ जी गिड़गिड़ाने लगे कि महात्मा जी आप घर भी आए और आशीर्वाद नहीं देके जाएंगे तो मुझे कैसी शांति मिली। तब महात्मा बुद्ध ने पूछा कि तुमने मेरा पात्र हाथ में लेकर के उसको मांझा क्यों? तो बोला महात्मा जी उसमें ना कुछ मिट्टी कंकर पड़ी थी, अगर उसके ऊपर ही मैं खीर डाल देता तो मेरी खीर खराब हो जाती। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा भी जो बुद्धि रूपी पात्र है ना, उसमें कुछ कंकर कुछ इस प्रकार की चीजें पड़ी हैं, तुम उनको मांझ के लेके आओ, और मांझ के लेके आओगे उसके बाद मैं आशीर्वाद डालूंगा तो मेरा आशीर्वाद भी साफ सुथरा रहेगा, नहीं तो उस मिट्टी कंकर के साथ मिलके मेरा आशीर्वाद भी बिगड़ जाएगा। कहने का भाव ये है कि अमृत वेले बाबा हम बच्चों को वरदानों से भरते हैं, और उन वरदानों का फायदा हम बच्चों को बहुत ज्यादा लेना है। बाबा ने तो ये भी कहा है कि अमृत वेले जैसी स्टेज ही दिन में भी रहे। एक मुरली में बाबा ने कहा ये मत सोचो कि कर्म योग शुरू हो गया तो हम ढीले हो जाए, नहीं, लक्ष्य ये रखो कि अमृत वेले की जितनी शक्तिशाली स्टेज थी वैसी कर्म योग में भी रहे। लेकिन फिर भी अमृत वेले का जो महत्व है वो तो बहुत अधिक है, हम बच्चों के लिए बहुत बड़ा वरदान है वो। तो उसका फायदा उठाने के लिए हमारी शयन की विधि, बाबा की श्रीमत प्रमाण, और उठने की विधि भी बाबा की श्रीमत प्रमाण हो तो हम बच्चों का संगम योगी खजाना बहुत बहुत भरपूर हो जाएगा।
ओम शांति। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा ज्ञान मिला आज। वो नींद और मृत्यु के बारे में मेरी भी जिद्दा बहुत बरस होती थी, आज सारा क्लियरिफिकेशन। थैंक यू। एक क्वेश्चन है मेरा। मुरली की डेट, यू वांट डेट ऑफ मुरली? आपने वो लक्ष्मण और कैकेयी माता की बात बोली अभी, जी जी, आपने जो मंत्र बोला धीरज धर, वो मंत्र मुझे लिखना है, आप लिखा है। लिख लीजिए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपत्काल परखिए चारी, परखिए व्हाट? परखिए, परखिए मतलब उसको जज कीजिए, वो जज होगा उस टाइम। बाबा कहते हैं ना परखने की शक्ति, तो वो परखने की शक्ति उस समय यूज होगी। धीरज धर्म मित्र और नारी मतलब धैर्य, धर्म मित्र और पत्नी, इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। कुछ मिनट्स मेडिटेशन में बैठे या आप सॉन्ग चलाएंगे? थैंक यू। वो मुरली की डेट कौन सी थी? मुरली की डेट है जी, कुछ बातें मैंने दूसरी मुरलियों से भी जोड़ी हैं, लेकिन इस मुरली की डेट है 31/12/1970 की अंतिम मुरली है ये। थैंक यू दीदी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कुछ और भी पूछना हो तो मैं अभी उस पे आप कर लेना, कुछ पूछ सकते हैं। दीदी व्हाट्सएप नंबर बताएंगे? व्हाट्सएप नंबर 9414। ओम शांति। उर्मिलाबेन आपको सुनाई देता है? जी जी सुनाई दे रहा है। हाँ। एक प्रश्न है कि साधना के ऊपर, साधना का रियल मीनिंग क्या है और उसका उसको कैसे किया जाता है? बाबा ने मुरली में बोला था कि साधना का रियल मीनिंग है एक बाप से अटूट प्यार, निश्चल प्यार, निरंतर प्यार। और बाबा ने कहा कि ये जो साधना है आपकी, ये चलते फिरते निरंतर है, क्योंकि साधनों में बुद्धि तब जाती है जब बाबा के प्यार से बुद्धि हट जाती है, तो वो साधन खींच लेते हैं। लेकिन साधनों के बीच में रहते भी जब हम उस सर्व संबंधों के प्यार में, जैसे अभी हमने ज्ञान की बातें सुनी तो अंदर ही अंदर हम कहते बाबा वाह, आपने इतनी अच्छी बात सुनाई, वाह बाबा आपने तो हमारा मनोरंजन भी कर दिया, कमाई भी जमा करा दी, वाह बाबा आप तो मेरे कंपेनियन भी हो, मेरे फ्रेंड भी हो, आप तो मेरे पिता भी हो, माता भी हो। तो सारा दिन ये जो हम बाबा को दिल ही दिल में उछलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, यही हमारी साधना है। और ये साधना हमें कितनी ही ग्रहचारियों से बचा लेती, कहीं उलझने नहीं देती, अटकने नहीं देती, लटकने नहीं देती, भटकने नहीं देती, किसी व्यक्ति वस्तु वैभव में फंसने नहीं देती। तो ये प्रेम, मुझे याद है जगदीश भाई ने विदेश में एक सवाल पूछा था कि क्या तुम प्रेम गली में से गुजरे हो, तो किसी ने पूछा ये भारत की कोई गली होगी, बोला नहीं, ये ईश्वर ये प्रेम की गली को ही हम प्रेम गली बोलते, मतलब प्रेम
इतना गहरा कि उसमें उस गली में मैं और बाबा, कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी या में दोना समाई, जब मैं था तो तुम नहीं और तुम थे तो मैं ना ही, और प्रेम गली अति सांकरी या में दोना समाई, अर्थात परमात्मा के प्रेम की गली में मैं और परमात्मा बस दो ही, ये हमारी साधना है। आपका नंबर बोल रहे थे दीदी आप, 9414। एक मिनट, जिसको भी बोलना है ना पहले हाथ ऊपर करो, क्योंकि आपका बैकग्राउंड में इतना आवाज आती है, और जिसको भी प्रश्न है ना तो पहले चैट में लिखो, तो बहन के लिए भी इजी हो जाएगा, हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। ओके या बेन, अभी क्या करो कि आप है ना मेडिटेशन कराओ, और ऐसे सबको ऊपर ले जाओ कि सभी का प्रश्न वो मेडिटेशन में आ जाएगा। बाबा इतनी ऊंची सबकी बुद्धि में बहुत सुंदर रीति से अनुभव करा देगा। ओके, ओम शांति। सभी एकदम योगयुक्त अवस्था में बैठो और सभी का वीडियो ऑन करो और म्यूट पर रखो, वीडियो ऑन करो म्यूट पर रखो। मैं आत्मा पर विराजमान चैतन्य तारा हूं, शरीर में रहते हुए भी शरीर से न्यारा हूं। शरीर और इंद्रियों को साक्षी होके देख रहा हूं, न्यारा प्यारा डिटैच, मैं सितारा निमित्त मात्र इस दुनिया में हूं। अब मैं कुटी का पट खुला और उड़ गया दूर दूर एक महायात्रा के लिए। परम यात्रा, एक सुंदर शिवालय की तीर्थ यात्रा, जहां चेतन रूप में मेरा दिलबर, मेरा बिलाउट, मेरा लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड प्यारा शिव बाबा विराजमान है। संकल्प से भी तेज गति से मैं सितारा पहुंच गया तत्वों से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, प्रवेश हो गया मौन की दुनिया में, गहन शांति की दुनिया, साइलेंस वर्ल्ड, चारों तरफ सन्नाटा, गहन शांति। शांति के सागर की शक्तिशाली किरणें इस लोक में चारों ओर पसरी हैं, और मैं सम्मुख हूं दिलबर के, अपने माशूक के रूबरू, एकदम समीप, दिल के करीब। दो बिंदुओं का ये महामिलन है, परम ज्योति में मानो ज्योति समा गई है। उस परम ज्योति की शक्तिशाली किरणों के आगोश में मैं आत्मा खो गई हूँ प्यार में।
अतिंद्रिय सुख में दो बिंदु मिलकर एक हो गई, मैं और मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, सुखों का सागर बाबा, दाता बाबा, मुझे अपने रंग में रंगने वाला बाबा, मुझ पर सर्वस्व लुटाने वाला बाबा, मेरा प्राणेश्वर, बुद्धेश्वर, मेरा सर्वस्व, जो मेरा है सो बाबा का, जो बाबा का है वो सब मेरा, मुझ में समा रही है सर्वशक्ति, उस रंगरेज में मुझे अपने रंग में रंग लिया है, मैं उसके समान बन गई, आनंद परमानंद, डूबती जा रही हूँ गहरे प्यार और गहराई में, और गहराई में बढ़ती जा रही हूँ प्यार के हीरे मोतियों से, अथाह सागर की इस थाह में मैं आत्मा सुख में डूबी हूँ, शांति में डूबी हूँ, मन कहता है इस सुख में सब डूब जाए, सबके दुख दर्द खत्म हो जाए, सब अतिंद्रिय आनंद का रस पी ले, सब भरपूर हो जाए, शांति। उर्मिला बेन, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बाबा ने जो कहा कि टाइम टेबल रखना सुबह से शाम तक और कैसे योग भी किया जाए आपने बहुत ही सरल रीति से सुनाया, तो सभी एक हाथ से उर्मिला बेन को ओम शांति कहो ताकि जल्दी जल्दी दोबारा
हम लॉस एंजलस में आवे, हम शांति